नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको BSF का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। उस नोटिफिकेशन में है क्या कि जो भी आपका एग्ज़ाम होना था BSF हेड कॉन्स्टेबल का, वो एग्ज़ाम कब होना था, एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया, क्यों पोस्टपोन हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैंने BSF हेड कॉन्स्टेबल के लिए अपने चैनल पर क्लर्कल एप्टीट्यूड की सारी क्लासें करवा चुका हूं, कंप्यूटर की सारी क्लासें करवा चुका हूं, हिंदी की सारी क्लासें करवा चुका हूँ। और साथ ही साथ BSF हेड कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो इसकी PDF है वो सारी मेरे पास अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूं। तो चलिए आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन BSF की तरफ से आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नोटिस, अटेंशन फॉर कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पैरा मेडिकल स्टाफ 2023 SMT वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी पोस्ट 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 23/4/2023। ठीक है, यानी जो आपका पैरा मेडिकल स्टाफ का जो आपका एग्जाम होना था ग्रुप बी और सी का, वो एग्जाम आपका 23 अप्रैल को होना था, यानी इसी महीने 23 तारीख को आपका एग्जाम होना था। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टीरियल ऑन कंपेंसेंट ग्राउंड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 24/4/2023। ठीक है, यानी जो आपका हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टीरियल का एग्जाम होना था ये आपका 24 तारीख होना था, यानी 24 अप्रैल का आपका एग्जाम होना था। एंड इंजीनियरिंग ग्रुप बी पोस्ट 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 30/4/2023, यानी जो आपका इंजीनियरिंग के ग्रुप बी का जो आपका एग्जाम है ये आपका 30 तारीख होना था, यानी 30 अप्रैल को होना था। आर हेयर बाय पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, फ्रेश डेट विल बी इंटीमेटेड सून, यानी जो आपके ये तीनों एग्जाम हैं ये तीनों एग्जाम आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं। पोस्टपोन किस कारण से किए गए हैं, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी किसी रीजन से आपके एग्जाम ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि जो आपका एग्जाम होगा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ये आपका अप्रैल के 3rd या 4th वीक में होगा, तो 24 तारीख को आपका एग्जाम होना था हेड कॉन्स्टेबल का, जैसा कि आप डेट देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और अब ये एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है और इसकी जो फ्रेश डेट है यानी इसकी जो नई डेट है वो जल्दी इनकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी। तो जैसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो वैसी मैं एक वीडियो बना के आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करिए ताकि मैं वहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। एक्चुअली वहाँ टेलीग्राम में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट वहाँ शेयर कर दूँगा, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।